नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी के लिए आज अरबी के फायदे और नुकसान लेकर के। जिस तरह आलू, कचालू, रतालू जमीन के भीतर उगाए जाते हैं, उसी तरह अरबी भी जमीन के भीतर उगाया जाता है। इसे कंद वर्ग की वनस्पति कहा जाता है, जो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे लोग प्राचीन काल से ही उगाते आ रहे हैं। लोग इसकी जड़ की सब्जी तो बनाकर खाते ही हैं, साथ ही अरबी के पत्तों की भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। गर्मी और वर्षा के मौसम में उगाई जाने वाली अरबी रक्त पित्त को मिटाने वाली, दस्त को रोकने वाली सब्जी है। चिकित्सकों के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर अरबी में आलू की अपेक्षा ज़्यादा पौष्टिकता होती है। यह मस्तिष्क को स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही रक्त पित्त की विकृति को भी दूर करता है। अरबी के फायदों के बारे में सबसे पहले हम सभी जानते हैं। नंबर वन, अरबी की सब्जी रोजाना खिलाने से कुछ ही दिनों में स्त्रियों के स्तनों में दूध की वृद्धि होने लगती है। नंबर टू, पेशाब में होने वाली जलन को दूर करने के लिए अरबी के पत्तों के 10 ग्राम रस को 3-4 दिन तक सेवन कीजिए, असर देखने को मिलेगा। नंबर थ्री, अरबी की सब्जी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ और त्वचा की शुष्कता दूर होती है। नंबर फोर, अरबी के पत्तों को उबालकर उसको छानकर फिर उसमें घी मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से वायु के कारण उत्पन्न गुल्म समस्या दूर होती है। नंबर फाइव, डॉक्टरों की माने तो उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर करने के लिए अरबी एक गुणकारी सब्जी है। नंबर सिक्स, अरबी की सब्जी 25 ग्राम मात्रा में रोजाना खाने से हृदय रोग में लाभ होता है। नंबर सेवन, अरबी के पत्तों का रस निकालकर किसी हल्के आघात से होने वाले खून निकलने पर लेप करने से तुरंत खून निकलना बंद हो जाता है। नंबर एट, अरबी के ताजे कोमल पत्तों का रस निकालकर 10 ग्राम मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पीसकर मिलाकर सेवन करने से पित्त की समस्या दूर होती है। नंबर नाइन, अरबी ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करती है। अरबी में मिनरल्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि होते हैं, जो ब्लड प्रेशर संरचना को ठीक रखते हैं। यह तनाव को दूर करने, रक्त संचार को नियमित करने में बेहद सहायक होता है। नंबर टेन, खांसी से बहुत ही लोग परेशान रहते हैं। अरबी में ऐसे गुण होते हैं जो लंबे समय से चली आ रही खांसी को दूर कर सकता है। लेकिन जब भी आप अरबी का सेवन करें तो चिकित्सक के सलाह के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि अरबी जो है मना हो, यानी कि फ़ायदेमंद न साबित होती हो। आइए अब अरबी के लॉस के बारे में जानते हैं। नंबर वन, कच्चे रूप में अरबी का पौधा जहरीला हो सकता है। नंबर टू, अरबी का सेवन वात विकारों से पीड़ित रोगियों के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए ऐसे रोगियों को अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री, अरबी के पत्ते कफ को बढ़ाते हैं, इसीलिए अस्थमा से पीड़ित स्त्री पुरुषों को अरबी के पत्तों की सब्जी नहीं खानी चाहिए। नंबर फोर, इसके अलावा जिन लोगों के घुटनों में दर्द होने की शिकायत हो और खांसी हो, उन्हें भी अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर फाइव, प्रसव के बाद अरबी का सेवन करने से वात विकार की उत्पत्ति की अधिक संभावना रहती है। नंबर सिक्स, गैस से पीड़ित रोगियों को भी अरबी का सेवन हानि पहुंचाता है। तो ये था आज आप सभी के लिए अरबी के फ़ायदों से जुड़ा हुआ हमारा वॉइस ओवर। दोस्तों, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।